अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम जो जीन डाइवर्सिटी मालूम कर रहे हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर आपको नई नई से नई स्पीशीज बन रही हैं। इवन ह्यूमन के अंदर भी नए, हर जगह आपको नए चेहरे नजर आते हैं, नए तरह की शक्लें नजर आती हैं, नई स्पीशीज नजर आती है। वे स्पीशीज के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, तो ये सारी चीजें होती कैसे है नेचर के अंदर और उसका मेन काज क्या है? सुना है सबसे जो मेजर काज है ना उसका, और दुनिया के अंदर नई प्रोटीन्स बन रही है, नए डीएनए बन रहे हैं, नए जीन्स बन रहे हैं, तो इसका सारा का सारा ज्यादातर क्रेडिट जो जाता है वो जाता है जीन डुप्लीकेशन में। ठीक है, ये जो जीन डुप्लीकेट है ना, इसकी वजह से पूरी दुनिया के जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर डाइवर्सिटी है। डेली आपको नई स्पीशीज नजर आती है, आप एनालिसिस करते हो प्लांट्स के अंदर, इतनी नई वैरायटीज डेवलप हो रही है, नई से नई चीजें। एंड जीन डुप्लीकेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी एंड जो जीन एक्सपेंशन, और उसकी वजह से नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, प्लांट्स के अंदर नई से नई जीन्स है, उसके फंक्शन आपको मिलते हैं। अच्छा, आप इसको आप ये एक एग्जांपल है, उससे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जीन डुप्लीकेशन हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। पहले तो इतने पैरालॉग सीक्वेंस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक प्लांट के अंदर, फिर ऑर्थोलॉग्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये चीजें सारी की सारी। तो इन सम केसेस डुप्लीकेशन इवेंट जो है वो उसकी वजह से फंक्शन नया एड हो जाता है, समटाइम कोई ऐसा फंक्शन भी आ जाता है जो कि लीथल होता है और उससे उस स्पीशीज के अंदर नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो अब अभी लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है और गेन ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या है कि ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स टू फंक्शन एंड दे हैव द जीन्स टू मेक द प्रोटीन दैट डिटरमाइन द ट्रेट दैट आर नेसेसरी फॉर देयर लाइफ। ये तो आपको पता ही है, जीन्स का आपको पता ही है, किसका प्रमोटर रीजन होता है, उसका टर्मिनेटर रीजन होता है, और फिर जीन कोडिंग रीजन होता है जिसे ORF कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। तो ये और तमाम के तमाम जीन्स ऐसे ही इसी जीन कोडिंग रीजन से मैसेंजर आरएनए बनता है, उसी से प्रोटीन बनती है। ये कहानियां आप लोगों को काफी हद तक समझ है कि कैसे और जीन के सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रमोटर रीजन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, और अगर जीन है तो इतनी कॉपीज क्यों बन रही है जीन्स की? अगर एक जीन है वो काम कर रहा है तो देन व्हाई देयर आर सो मेनी पैरालॉग सीक्वेंस इन द जीनोम? ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक केराटिन, एक प्रोटीन है जो हमारे हेयर और नेल बनाती है, जो आपका हेयर है ना और नेल बोथ कंप्राइज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। अच्छा, अब केराटिन जो है इट्स अ प्रोटीन आल्सो यूज्ड टू मेक हॉर्न्स, फीदर्स एंड वूल इन एनिमल्स। यही वो प्रोटीन है जिससे नेल्स भी बनते हैं, यही वो प्रोटीन है जिससे हेयर भी बनते हैं, यही वो प्रोटीन है, इवन आपकी स्किन के अंदर भी यही प्रोटीन होती है केराटिन, आईज के अंदर भी इसका थोड़ा सा पार्ट होता है केराटिन का। अब ये केराटिन इतनी ज्यादा डाइवर्स प्रोटीन है, क्या इसको एक ही जीन कोड करता है, क्या इसके डिफरेंट डुप्लीकेटेड जीन है, क्या इसके मेनी पैरालॉग्स है? ठीक है यार, एक प्रोटीन से तो इतना कुछ नहीं बन सकता, इट मींस देयर आर मेनी जीन्स दैट कोड फॉर दैट प्रोटीन। How do a protein like have a so diverse role in different animals or even different part of the body as well? So it means each of the different types of keratin found throughout the body are expressed by different genes that are duplicate of each other. इसीलिए यही mechanism plants के अंदर भी है, plant के अंदर भी एक एक gene है, उसके कितने ही कितने functions हैं। अब क्या वो gene सारे के सारे एक ही है, उसका जीन है, या उनकी डिफरेंट प्रोटीन्स क्यों बन रही है, क्या उनके डिफरेंट जीन्स हैं, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो समटाइम जीन डुप्लीकेशन इज बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म्स एंड मे इवेंचुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज।
इसी जीन की डुप्लीकेशन की वजह से ही हमें आए नई से नई स्पीशीज बन रही है। और वेरियस टाइप ऑफ केराटिन इन द बॉडी आर रिजल्ट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सिंगल जीन, ये आपको समझ आ गई है। ठीक है, ओवर अ टाइम स्पीशीज डाइवर्सिफाई होती है, न्यू जीन्स बनते हैं, न्यू फंक्शन अरोज होते हैं और डिफरेंट स्पीशीज के अंदर नई स्पीशीज स्पीसिएशन होती है, नई से नई स्पीशीज नेचर के अंदर इकोलॉजिकल रोल और उसके इस तरह। और अच्छा, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसा भी होता है कि जीन नेगेटिव और पॉजिटिव डालते हैं इंडिविजुअल के अंदर, जैसे डाउन सिंड्रोम है और अदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीन डुप्लीकेट, या बच्चों समझ आए व्हाट इज जीन डुप्लीकेशन एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। मेरे लिहाज से काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको। कोई क्वेश्चन है तो जीन डुप्लीकेशन के बारे में यू कैन आस्क। ठीक है, चले गुड, इट मींस यू हैव द आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हमने नेक्स्ट ये पढ़ना है कि ये जीन डुप्लीकेट होता कैसे है। ठीक है, उसके लिए दो तरीके होते हैं नॉर्मली। एक तो है डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाए। नॉर्मली डीएनए की डुप्लीकेशन आपको पता है कि माइटोसिस के दौरान और मियोसिस के दौरान प्रोफेज के अंदर होती है। ठीक है, जब प्रोफेज होता है उससे पहले हम क्या करते हैं कि जीन जो है वो क्रोमोसोम उसकी कॉपीज बनती है, और उससे अगर मियोसिस के दौरान डीएनए डुप्लीकेशन हो जिससे स्पर्म और एग बने, और उस दौरान बड़े चांसेस है कि जीन डुप्लीकेट होकर किसी नए क्रोमोसोम्स के ऊपर चला जाए। अगर जीन डुप्लीकेट होने के बाद स्पर्म सेल्स के अंदर या एग सेल के अंदर या आपके पोलन ग्रेन के अंदर अगर ये इस तरह का सिस्टम हो तो वो नेक्स्ट नेचर में चला जाता है और वहां आ जाके एक नई जीन की कॉपी बन जाती है। ठीक है, अच्छा एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये भी तरीका है कि सम टाइम डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए जो है सम टाइम प्लांट्स के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिवेट होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसे कहते हैं कि जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करे, ये एक एंजाइम है। तो जब मैसेंजर आरएनए डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है तो क्या होता है कि वो भी अब उसको पता नहीं चल रहा था कि उसने कहां किस क्रोमोसोम पे जाना है, तो उसी रैंडमली किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जाकर इंटीग्रेट हो जाता है, इंटीग्रेट ज्वाइन कर जाता है या उसका पार्ट बन जाना। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ जीन डुप्लीकेशन। जिस तरह क्रॉसिंग ओवर के दौरान होती है, अक्सर क्रॉसिंग ओवर जब होती है तब जीन डुप्लीकेटेड होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है, देयर आर मेनी वेज कि हम जीन को है डुप्लीकेट होते हैं और नए जीन्स, जब नए जीन्स डुप्लीकेट होकर नई लोकेशन के ऊपर जाते हैं तो फिर उनके अंदर नए फंक्शंस भी आ जाते हैं, सम टाइम म्यूटेशंस आती है, और म्यूटेशन आने के बाद अच्छा अब वो चीजें। अच्छा, अब फिर आगे ना दो तरह की डुप्लीकेशंस होती है, एक होती है टैंडम डुप्लीकेशन, एक होती है सेगमेंटल डुप्लीकेशन। अच्छा, टैंडम डुप्लीकेशन ये होती है कि अगर एक जीन पूरे का पूरा जीन टैंडम जीन डुप्लीकेशन, अच्छा अगर तो पूरे का पूरा जीन जो है उसी क्रोमोसोम के विद इन बहुत ही नजदीक क्रोमोसोम के उसी रीजन के अंदर और बहुत ही नजदीक अगर डुप्लीकेट हो जाए और कॉपी हो के उसी क्रोमोसोम के ऊपर रहे और बिल्कुल साथ ही उसका फ्रेगमेंट हो तो उसे हम कहते हैं टैंडम जीन डुप्लीकेशन। अच्छा, एक और आज का टर्म है जिसे कहते हैं टैंडम एक्सॉन डुप्लीकेशन। टैंडम एक्सॉन डुप्लीकेशन वो होती है कि अगर विद इन द जीन एक एक्सॉन उसी कॉपी बनी और वो उसी जीन के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी आ गई उसके अंदर। अच्छा, आपने जब आप प्रोटीन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चला होगा कि कुछ ऐसे जीन्स हैं जिसके अंदर फर्ज किया ये जो है ना एनपीआर वन लाइक जीन की दो डोमेन नजर आ रही होंगी आपको। आपको क्या ऐसा नजर आया कोई जीन बच्चो? हेलो एनीवन ऑब्जर्व दैट के एक आपकी जब डोमेन एनालिसिस किया तो आपको एक ही प्रोटीन के अंदर दो डोमेन इकट्ठी इकट्ठी नजर आई हो। अब yes, sir, आई थी तो वो एक्सॉन डुप्लीकेशन है। वो क्या है?
टेंडम एक्सॉन डुप्लीकेशन, ठीक है। तो अब आपने ऐसा भी मालूम करना है कि ये भी आपने पेपर के अंदर लिखना है कि हमारे इधर टेंडम जीन डुप्लीकेशन कितनी है, टेंडम एक्सॉन डुप्लीकेशन कितनी हुई है, ठीक है, और सेगमेंटल डुप्लीकेशन कितनी है। सेगमेंटल ये होता है कि जीन जो है वो बिल्कुल पास जाके बिल्कुल ये ना हो गए साथ साथ हो, दे मे गो टू सम अदर प्लेस, सम अदर क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये जो सेगमेंटल डुप्लीकेशन ये भी हो सकती है कि उसी क्रोमोसोम के ऊपर हो लेकिन साथ साथ ना हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक क्रोमोसोम के शुरू में हो, एक जीन एंड के ऊपर हो और दोनों डुप्लीकेट हो, तो उसे भी हम सेगमेंटल डुप्लीकेशन कहेंगे। लेकिन अगर एक जीन बिल्कुल साथ साथ है तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन। एडजेसेंट आइडेंटिकल क्रोमोसोम सेगमेंट्स आर नोन एज टेंडम डुप्लीकेशन। अब ये समझ आ गई, एडजेसेंट टेंडम डुप्लीकेशन द सेगमेंट्स आर नोन एज, ठीक है, उसे कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। ये देखिए ये जीन है उसके अंदर वो उसकी आ गई, उसके अंदर म्यूटेशन आ रही है, वो नई डोमेन ऐड हो रही है, नया लोकस पे चले गए हैं, तो इस तरह जीन डुप्लीकेशन होने के बाद नए से नए स्पीशीज इवन बनती जा रही है टाइम के साथ। एवोल्यूशन भी ये होती है कि चेंज इन डीएनए सीक्वेंस विद टाइम एंड विद इनहेरिटेंस। जीन एंड जीनोम डुप्लीकेशन प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर म्यूटेशन ड्रिफ्ट एंड सिलेक्शन टू एक्ट अपॉन मेकिंग न्यू एवोल्यूशनरी अपॉर्चुनिटीज। एज अ रिजल्ट मेनी हैव आर्ग्यूड दैट जीनोम डुप्लीकेशन इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन द एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। सबसे जो मेजर इवेंट है ना डुप्लीकेशन, जो जीन डुप्लीकेशन है, आपको जो डाइवर्सिटी नजर आ रही है स्पीशीज के अंदर, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अगर सेगमेंटेड डुप्लीकेशन आर लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस टिपिकली डिफाइंड एज मोर देन 1 KB इन लेंथ होती है, दैट हैव नियरली आइडेंटिकल सीक्वेंस एंड एग्जिस्ट इन मल्टीपल लोकेशन एज ए रिजल्ट ऑफ डुप्लीकेशन इवेंट। पहले हमने टेंडम डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, अब सेगमेंटेड डुप्लीकेशन क्या होती है, कैन बी टेंडम आर इंटरप्रेस एंड कैन बी इंटरक्रोमोसोमल, ठीक है। ये तो बात आपको समझ आएगी कि डुप्लीकेशन होती क्या है, ये करते कैसे है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये अब एक ही, अब आपने देखना प्लांट के अंदर एनपीआर जीन्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, अब इसका फायदा क्या है एनपीआर जीन, क्योंकि प्लांट के डिफेंस के अंदर रोल है इसका। अब प्लांट के ऊपर कोई एक तो पैथोजन अटैक नहीं कर रहा, प्लांट के ऊपर कोई समझो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की इंतहा है बैक्टीरिया, और इसकी भी कई टाइप्स है जो प्लांट्स के ऊपर एज ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। फिर सिमिलरली फंगस है, फंगस कभी रूट को इन्फेक्ट कर रही है, कभी शूट को, कभी लीफ को, कभी कहा, और फिर इंसेक्ट डैमेज कर रहे हैं प्लांट्स को, फिर वायरसेस है। इट मीन एक एनपीआर वन जीन इज नॉट इनफ टू कंबैट ऑल अदर पैथोजन, सो प्लांट्स वांट न्यू एनपीआर जीन्स, मे बी सम अदर जीन्स आल्सो, और उनकी भी कई कॉपीज इवॉल्व की होगी, ताकि प्लांट जो है इन इतने ज्यादा अपने जो दुश्मन थे उनको कंट्रोल कर सके। That's why your research is very important, कि आपको ये understand कर रहे हैं कि ये plants और pathogens हैं, ये आपस में interaction कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ अभी इनका तल्लक है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? Hope I definitely अच्छा, अब है कि जीन डुप्लीकेशन के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीन उसका डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इसके लिए हम, ये मैंने कल आपको बताया था कि आपने के ए और के एस वैल्यू को और इसके पैरालॉग और ऑर्थोलॉग प्रोटीन्स को सीक्वेंस को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसके मुताबिक जब हम क्या करते हैं, ये मैंने कुछ तरीका बताया था कि आपने सबसे पहले पैरालॉग प्रोटीन सीक्वेंस लेनी है जो एक ही क्लेड में अंदर हो, उसको आपने लेना है और उसको जीन को प्रेजेंट इन द सेम क्लेड, take the protein sequence of the line and then CDS sequence लेनी है और उसको align करना, ये सारा आपको तरीका आ गया है। फिर आपने इस तरह के K A और K S जो है, S जो है ये substitution
रेट है ये नॉन सब्स्टिट्यूशन ना, जो है ना वो के ए को के एस से डिवाइड करना है, तो उसके बाद ये 3 मिलियन टीयर्स लगाओ का हमें ये, अगर तो ये जो है ना वैल्यू के ए और के एस वो हमें बताता है कि इसके अंदर ये जो है ना इसको डुप्लीकेट हुए कितना अरसा हो गया ये चीजें, और साथ में के ए और के एस ये भी बताता है कि ये जो है ना सिलेक्शन किस सिलेक्शन के थ्रू ये डुप्लीकेट हुई है, ये पॉजिटिव सिलेक्शन हुई है, नेगेटिव सिलेक्शन हुई है, जो न्यूट्रल सिलेक्शन है इसके अंदर उसकी कहानी शायद आप लोगों को मेरे पेपर जो मैंने अभी आपको भेजा है ना, ये जो इसका मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है व्हाट्सएप के अंदर कि आपने ऐसे लिखना है, मिला है आपको? यही है ना रिसर्च मॉडलिंग, ये वाला मैंने कहा था कि आप अपना एनालिसिस करने के बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है चीजें, और करके आपने मुबीन को भी भेजनी है, मुझे भी भेजनी है, आपने पेस्ट करने ताकि हम सबको ये मिल सके। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया कि आपने कैसे इसको लिखना है, ठीक है। अब ये है कि वेरीफाइड जीन पेयर, ये कैसे हमने वेरीफाई किए, जो मैंने पहले बताया कि हमने इसको क्या करना है, नॉन सिनोनिमस एंड सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन रेट हमने मालूम करना है, रेशियो ऑफ योर एनपीआर जीन इन जो भी आपका क्रॉप है वो लिख दें। तो वेरीफाइड डुप्लीकेटेड जीन पेयर एनपीआर जीन पेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट डुप्लीकेशन मॉडल वाज यूज्ड टू कैलकुलेट, हमें पता चला कि हमने उसका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया जो एक ही क्लेड में आ रहे हैं, हमने वो देखे जो हम प्रोटीन का जब फाइलोजेनेटिक बनाया तो उसके अंदर जो एक ही क्लेड में आ रहे हैं, फिर हमने मोटफ एनालिसिस किया उसके अंदर जो एक ही क्लेड में आ रहे हैं, तो इस तरह हमने 3-4-5 डिफरेंट मेथड से जब हमने मालूम कर लिया कि ये जीन एक दूसरे के प्रोबेबली दे वो क्या है डुप्लीकेटेड जीन्स है, उसके बाद फिर हमने क्लस्टर डब्ल्यू जो मेगा एक्स के अंदर है प्रोग्राम उसको यूज किया फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द कोडिंग डुप्लीकेटेड जीन्स एंड द नंबर ऑफ के ए एंड के एस रेट वाज कंडक्टेड यूजिंग द नी कोरोबजी मॉडल, ये किसके अंदर है जब आप पी वैल्यू के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये कहां पर है ये वाला, ये इसके अंदर है, ये देखे ना, ये मैंने इस तरह नंबर ऑफ सिनोनिम्स ये इसके अंदर लिखा हुआ सारा, ये डिस्टेंस के अंदर जाके जब हम इसको कंप्यूट करते हैं तो ये देखे सिनोनिम्स नॉन सिनोनिम्स लिखते हैं यहाँ पर, ये नी गुजोबरी मेथड, ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये मेथड डेवेलप किया था, पहले हम सिनोनिम्स मूव करते हैं फिर नॉन सिनोनिम्स मूव करते हैं, ये आइडिया आपको पता है ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि रेट वेरिएशन अमंग साइट्स पर मॉडल यूजिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसी के अंदर लिखा हुआ है, ऑल एम्बिगुअस प्रोटीन्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द ई स्क्वायर, ये जो एवोल्यूशनरी एनालिसिस वर कंडक्टेड मेगा एक्स, ठीक है। एस्टिमेटेड के ए के एस वैल्यू ऑफ द डुप्लीकेट जीन पेयर एंड द के एस वाज कैलकुलेटेड, दीस पैरामीटर आर कंफर्म कॉन्फिगर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर पैकेज, अच्छा इसी के अंदर मेगा एक्स के ए के एस रेशियो वाज assess to determine the molecular evolution rate of gene pair in general ka or ks agar to less than 1 ho that indicating purify collection ka or ks ki jo ratio hai wo less than 1 ho to ye purifying selection hoti hai, agar ka or ks ki value is 1 ho to neutral selection hai, agar ka or ks ki value is more than 1 then it means a positive selection, ये भी आपने एक टेबल बनाना है कि उसके अंदर देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव सिलेक्शन है, ये नेगेटिव सिलेक्शन है, ये इतने जीन्स हैं जिनकी पॉजिटिव सिलेक्शन है, इतने जीन्स हैं जीन पेयर है जिनकी नेगेटिव सिलेक्शन है, और ये न्यूट्रल है, ठीक है। और ये फिर आई हैव नो आइडिया कि ये इसको ये इन्होंने ये जो है ना आर की वैल्यू कैसे निकाली हुई है,
इसको हम पढ़ लेते हैं, अगर कोई मुझे इसको हम इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं कि ये कैसे निकाली है। आगे फिर आपने लिखना है ये जो डिस्कशन है ना उसके अंदर जाके कि अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ इवेंट वाज कैलकुलेटेड यूजिंग मेगाबैक्स प्रोग्राम, वो तो आपने कर लिया। टेबल वन आपने नीचे बनाया कि ए रिप्रेजेंट था, वो भी बता दिया सारा कुछ। फिर आपने बताना है कि टेंटेटिव डेट ऑफ जीन डुप्लीकेशन फॉर पैरालॉगस जीन पेयर वाज, आपने हर एक ही इस तरह लिख देना कि कितनी है, ठीक है। आगे के वाइल द सेगमेंटेड डुप्लीकेशन फॉर मेनिंग 13 रेंज, उसकी भी रेंज लिख देनी है, ठीक है। फिर मिलियन ईयर ऑफ वॉर्स है, ये सारी की सारी कहानी आप लोगों ने उस टेबल के अंदर से ऐड कर देना कि कौन से जीन कौन से पेयर्स है वो ज्यादा उस लेट डुप्लीकेशन हुई है, कौन से जीन है जो अर्ली डुप्लीकेट हुए हैं और उसकी रेशियो, ये सारी कहानी आप इजीली बता सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और फिर के एस रेशियो भी बतानी है कि इसमें कौन सी रेशियो के बारे इंसिडेंट सिलेक्शन प्रेशर और अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है, पॉजिटिव सिलेक्शन है। इन जनरल द सिलेक्टिव प्रेशर इंडिकेट सिलेक्टिव एडवांटेजेस फॉर अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन एंड नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनल रेसिड्यू और फंक्शनल प्रोटीन शिफ्ट। अब इससे हमें यह अंदाजा होता है कि अब हमारा जो प्रोटीन है उसका फंक्शन कहाँ चेंज हुआ है। इवन इसके बाद एक और ये जो मेथड है ना, इसके बाद एक और भी है मेथड, हमें पता चले कि कौन सी अमाइनो एसिड्स हैं जो कि दैट इज मोर इम्यून टू म्यूटेशन। लेकिन वो भी मैं आपको ऐड नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट है। लेकिन जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों ने ऐड किया है चीजें, सिर्फ वो ही ऐड करें और इसको इसके मुताबिक लिख के और इस तरह का टेबल बना के और आपने ये चीज ना करके मुझे बेचनी है। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो काइंडली लस लेट मी नो। जी बच्चों, हेलो, समझ आ गई सबको? बोल ही नहीं रहा, कह रहे ये सर आ गई, सर आ गई समझ। अच्छा अच्छा चलो, और कोई क्वेश्चन है तो आपके बता दे मुझे, जो आपको समझ नहीं आ रही कुछ चीजें सीखनी है। जो हमने रेफरेंस देने हैं तो हर लाइन का रेफरेंस होना लाजमी है, एक पैराग्राफ का भी हम एंड पे दे सकते हैं? एक पैराग्राफ का भी, अगर वो पैराग्राफ सारे का सारे एक ही पेपर से है आपने लिखा है तो फिर एंड के ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज किया यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक पेपर से लिया है, ठीक है, ये वाला आपने किसी दूसरे पेपर से लिया तो हर एक चीज का रेफरेंस आपको वही देना पड़ेगा। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ना ये जो डॉक्यूमेंट ये जो स्टेटमेंट है एक से ज्यादा पेपर्स के अंदर दी हो। इवन यू कैन ऐड मोर देन वन रेफरेंस इन द सेम जो है ना लाइन के अंदर भी रेफरेंस ऐड करना आ गया आपको? कैसे ऐड करते हैं एंड नोट के थ्रू? यस सर, उसमें तो इशू कोई नहीं, उसमें नहीं है। चले ये इसके बाद तो अभी हमने ये जो आप कर ले आपने आपने अभी तक क्या क्या किया है? सबसे पहले तो डाउनलोड किए सीक्वेंसेस, ठीक हो गया, ठीक है, फाइटोसोम से जो भी कहां कहां से भी आपने किए हैं फाइटोसोम जीनोम डाटा सिटर जीनोम डाटाबेस, ठीक हो गया। बाद फिर आपने क्या किया हुआ है? उसके बाद फिर आपने क्या किया बच्चों? आपने डोमेन एनालिसिस किया, डोमेन कर लिया ना, मॉडल फॉर डोमेन एनालिसिस एनालिसिस किया यूजिंग
CBI, CDD and TV tools. And TV tools. ठीक हो गया. और उसके बाद आपने क्या मॉटर एनालिसिस, इसके अंदर भी हमने टीवी टूल भी यूज किया और एनसीबीआई भी यूज किया. ठीक हो गया, ये मैं सही कह रहा हूं जो जो हमने किया अभी तक? यस सर. इसके बाद हमने क्या किया? मॉटर एनालिसिस, फिर हमने जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया यूजिंग वो एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट, क्या नाम था उसका? एंड स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर, GSD सर्वर्स. ठीक है, और उसके अलावा हमने इसके अंदर फाइल जनरेटरी भी ऐड किया था. यूजिंग MegaX, ठीक है, ये काम हमने अभी तक कर लिया. फिर अभी हम कर रहे हैं KA और KS रेशो. ठीक है, ये मालूम कर रहे हैं. और इसके अलावा क्या किया है? सिस रेगुलेटरी फैक्टर्स. हाँ, सिस रेगुलेटरी एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक हो गया. इन सब का आपने अपने पेपर्स के अंदर लिख लिया है? और क्या किया? हेलो बच्चों, अच्छा और आपने क्या करना है कि एक फाइल ट्री बनाना है विद 1000 बूटस्ट्रैप. एक तो ये करना है आप लोगों ने, ये कर लिया आपने? नहीं किया ना अभी तक ये? जी सर, ये हो गया. हो गया, अच्छा चले गुड. अच्छा और इसके बाद अभी हमने क्या करना है? अच्छा और हमने क्या करना है कि एक तो डाउनलोड सीक्वेंसेस हो गई, डोमेन एनालिसिस हो गया, एनसीबीआई टीवी टू जीन स्ट्रक्चर के. अच्छा ये तो हो गया स्टेप जो आपने अभी तक कर लिए. ठीक है, जो एफ जीन के स्क्रीनशॉट लिए थे जो मैंने किया था. कौन सा? जो स्क्रीनशॉट लेके प्रेजेंटेशन पे पावर पॉइंट पे नहीं, वो सारे डिस्प्ले किए थे. वो नहीं करते, वो हो गया हमारा जी, वो आज के बाद नहीं किसी को कराने. वो क्योंकि हमने GSTS वो मिल गया, बड़ा सुपर सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम ना, और ये जो डोमेन एनालिसिस बाय एनसीबीआई डीडीबी, ये दोनों उसके अल्टरनेट है. ठीक है. एक और भी हमने किया है कि मोटर फाइंडर के अंदर जाके सर, आप लोगों ने वो टेबल भी तो बनाया है, एक टेबल जनरेट किया है, उसके अंदर हमने एक क्या चीज यूज की है, प्रोटोप्रैम टूल यूज किए, और इसके उसके थ्रू हमने इसके मालूम किए कि इंट्रॉन एक्सॉन, फिर हमने मालूम किए उसके क्या चीज मालूम की, क्रोमोसोम लोकेशन मालूम की. सर वो शायद बच्चों ने नहीं किया अभी, वो मैंने किया हुआ. इन बच्चों ने नहीं किया अभी? सर नहीं, वो टेबल इन्होंने बनाया, वो मैंने ही बनाया था, वो नंबर ऑफ इंट्रॉन एक्सॉन्स लोकेशन वाला जोन सा था. सारे आपने खुद ही बनाया या इन लोगों ने नहीं बनाया? नहीं सर, वो मैंने अपना ही किया था, वो पहले का किया था, जब स्टार्ट किया था ना तब मैंने बनाया था टेबल. अच्छा अच्छा, तो चलो बच्चों ये भी अब आप लोगों ने करना है कि टेबल बनाना है, ये अभी आपका रहता है, तो ये टेबल बनाना है आप लोगों ने. अच्छा और दूसरा काम ये करना है हमने, इनका ना EST एनालिसिस भी करना है, एक
इसका ना इस कहते हैं एक्सप्रेस्ड, या इसका कहते हैं जीन एक्सप्रेशन डाटा। वैसे ESC का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, या हम कह सकते हैं जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। ठीक हो गया, ये काम हमने करना है जो रह गया है, एक टेबल बनाना है, एक ESC जो जीन एक्सप्रेशन का डाटा हमने मालूम करना है, और इसके अलावा हमने क्या करना है, फिर एक इन्होंने ये करना है कि सब सेलुलर लोकलाइजेशन। फिर हमने न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मालूम करना है, NLS सिग्नल। फिर आगे सिंटनी एनालिसिस करना है, क्रोमोसोमल मैप भी बनाना है, क्रोमोसोम मैपिंग, और इसके अलावा क्या करना है, क्या है मुबीन, और क्या रखे, कौन सा रह गया, सर वो वुल्फ स्पॉट वाला जो हमने किया था वो लोकेशन वाला वो उसी में ही आ जाएगा। हाँ लोकेशन वाला, हाँ वो तो इसी में आ जाएगा, सिंटनी एनालिसिस में आ जाएगा। और मेरी ना बात हुई है चाइना, वो बंदा अब आप लोगों को ना बड़े खूबसूरत सिंटनी वो जो है ना वो बना के भेजेगा इस तरह का, जब बल्कि वो आज मुझे कहता है मैं आपको भी सिखा दूंगा, उम्मीद है इंशाल्लाह, तो वो आज वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर कोई अच्छा ये ना मैं आप अपने पास रखें ये चीज जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये वाली मटेरियल मेथड्स के अंदर आपने ये चीजें करनी है, ये मैं सारी की सारी आपको ना, मे बी इसके अंदर हम और भी चीजें ऐड करें, लेकिन आपने ये सारे एनालिसिस करके इसको पेपर की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने एंड नोट के थ्रू रेफरेंस ऐड करने सीख लिए। और क्या सीखा है बच्चों इसके अलावा, बच्चों बता दो यार, क्यों शर्मिंदा, शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं आप बताइए, इसके अलावा कोई हमने किया है मान, यही कुछ अभी तक हो गया, अभी तक यही बालो शहर बालो बताए, नो से तो बाकी माशाल्लाह आप लोग हसीब है, ये सारे माशाल्लाह लगे हुए हैं, सैयद आगा रमजान रिजवी, सैयद हमजा रिजवी, चले नहीं माशाल्लाह जी बच्चों, ये सारे आपको टूल्स आ गए ना, नेक्स्ट टाइम आपको आप खुद ही ये रिसर्च कर लिया करो, करोगे घर बैठे, मेरी बात की समझ आ गई, तो फिर खुद ही आप आठवें सेमेस्टर तक मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग 25-25-30 पेपर पब्लिश करो, आप अपने ग्रुप बनाओ, तो जब आप निकलो ना यहाँ से, तो मैं मजाक नहीं करता, जब आपकी इतनी पब्लिकेशन होगी ना तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले आपको हंस के लेंगे, उन्होंने कहा कि इन्होंने PhD ऐसी करवानी है इंशाल्लाह सर, ये आप अपना ऑब्जेक्टिव रख लो, इतनी एक महीना लगता है अगर आप ये सारी चीजें सीख ले ना, तो 15 दिन में आप एक पेपर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप 3-4-5 ग्रुप बना लो ना, एक बंदा एक काम करता रहे, एक बंदा एक काम करता रहे, और पांचों का पेपर आ जाए, पेपर में नाम आ जाए, तो इस तरह ना आप लोगों के भी बहुत ज्यादा पब्लिकेशन आ सकती है, और विद इन नो टाइम, लेकिन आप काइंडली इसको ना दिल से सीखे, माशाल्लाह आप सीख रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट कि मैं इतना आप लोगों से अच्छा मुझे मिला ना, इसका रिस्पॉन्स वो किसी से नहीं मिला, लेकिन अब आप इंशाल्लाह जब इतने अच्छे अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जनरल में आपको पब्लिकेशन जाएंगे,
तो आप कहेंगे कि इंशाल्लाह मैं अभी आपको एक और ऑप्शन भी दूंगा कि अक्सर ही कहते हैं यार वो मेरी बुक का एक चैप्टर है इंग्लैंड की उधर पब्लिश हुआ है उधर पढ़ाया जाता है तो मैं इस तरह के एक दो और चीजें भी लिखने को दूंगा जिसके अंदर ना आप लोगों ने कोई बुक चैप्टर लिखने हैं क्योंकि मुझे ना अक्सर बाहर से ना ये चीजें आती जाती है कहते आप हमें चैप्टर लिख के दे तो मैं वो चैप्टर फिर आपको दे दूंगा आप लिखेंगे नाम आपका भी आ जाएगा ज़ारा साहब मेरा भी बाद में फाइनल मैच चेक करके उसको सबमिट करवा दूंगा तो इस तरह आपके बुक्स के अंदर जो चैप्टर्स है ना आपके नाम पे तो वो भी आपकी सीवी में आ जाएंगे बुक चैप्टर के बड़े फायदे होते हैं कि आपने आपको एक तो बुक चैप्टर लिखना आ जाएगा और दूसरा इसका फायदा बढ़ा है आपको तो अच्छा और इसके अलावा और अच्छा ये एनएलएस और सब सेल्फ इक्वलाइजेशन ये 5 मिनट का काम है ये दोनों ये प्रोटीन सीक्वेंस आपने वेबसाइट के अंदर डालनी है और उसने बता देना है ये ईएसटी एनालिसिस जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो प्रोटोप्राइम टूल है ये भी अभी सिखाता हूँ आपको कि आपने क्या करना है इसका ये अभी मैं ना दोबारा से ऑनलाइन होते हैं या पहले साथ साथ के एस रेशियो भी करते जाए तो बाकी भी इंशाल्लाह मैं आपको अभी तो हमें वैक्सीनेशन सीक्वेंसिंग एनालिसिस भी सर्च करने हैं और उसके अलावा एक और भी करनी है गो मैपिंग भी करनी है गो फिर हमने जरा मैनी लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी दोबारा और ऑन होता हूँ ठीक है ओके सर